स्वागत है दी पब्लिक न्यूज में। जी हाँ, गुजरात दंगों के मामले सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिए हैं, यानी सुनवाई बंद कर दी गई है, केस को क्लोज कर दिया गया है। लेकिन जब जुबान पर गुजरात दंगे का नाम आता है तो अंदर की रूह सिर उठती है। जी हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, लाइक के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिर गुजरात दंगों के मामले के केस क्यों बंद किए गए हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। गुजरात दंगों से जुड़े 9 से 8 केस बंद कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इतना वक्त बीतने के बाद इन पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं रहा। आपको बता दें कि 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस का कोच जलाया गया, इसमें 59 लोग मारे गए। इसके बाद पूरे गुजरात में दंगे हुए जिनमें 1044 लोग मारे गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े 9 से 8 केस बंद करने का आदेश दिए हैं। इन सभी मामलों से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। सीजीआई जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने मंगलवार को कहा कि इतना समय गुजरने के बाद इन मामलों पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं बनता है। एक अन्य मामले में कोर्ट ने एक्टिविस्ट तीस्ता शीतलवाड़ को राहत के लिए अपील करने की इजाजत दे दी है। यह अदालत मानती है कि इस मामले में से जुड़ी याचिकाओं को आगे सुनने की जरूरत नहीं है। जिन तिरंगा के दौरान हिस्सा हुई जांच की मांग की गई, कोर्ट ने दंगा पीड़ितों सिटीजंस फॉर जस्टिस नाम के एनजीओ की रीट याचिका पर विचार किया। 9 में से 8 केस का ट्रायल पूरा हो चुका है और 1 केस सुनवाई अभी जारी है। आपको बताना चाहूँगा कि गुजरात दंगों से जुड़े 9 केसों की जाँच के लिए SIT गठित कर चुका है। इनमें से 8 केस का ट्रायल पूरा हो चुका है। नरोदा गाँव से जुड़े मामले की सुनवाई अभी जारी है और 9 अहम केस नीचे दिए गए ग्राफी में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो कांड हुआ था। लेकिन बताया जा रहा है कि केस कर बंद करने वाले जज अमित शाह के वकील रह चुके हैं और ऐसे में आप पॉइंट देख सकते हैं कि तीस्ता शीतलवाड़ को राहत के लिए अपील की इजाज़त दी गई है और ट्रेन का जो हाल है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। सांप्रदायिक हिंसा फैली थी, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि SIT भी बनाई गई थी। SIT ने PM मोदी को क्लीन चिट दी और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी। आपको बता दें कि 24 जून 2022 को जकिया जफरी की तरफ से PM मोदी के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिका में मेरिट नहीं है। 2013 में आप देख सकते हैं कि जो भी याचिका जिसके खिलाफ दायर की गई उसको क्लोज रिपोर्ट सौंप दी गई है। इसके बारे में आपका क्या मानना है, आप कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा दी पब्लिक के साथ, बने रहिएगा। जय हिंद।